जय हिंद दोस्तों, सभी का स्वागत है हमारी YouTube चैनल स्टडी एंड एग्जामिनेशन में। तो आज हम लोगों का दूसरा दिन है, जो कि हम कल आप लोगों को परसेंटेज का फर्स्ट पार्ट बताया था, आज हम लोगों का सेकंड पार्ट है, जिसमें आपको 18 से 19 टाइप को क्वेश्चन आते हैं, जिसमें मैंने आपको दो टाइप बता दिए थे। आज टाइप नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। तो आपको ये बता देना चाहते हैं, उसमें जो कल वीडियो देखिए, वो वीडियो भी काफ़ी लोगों को अच्छा भी लगा और आप लोगों को कमेंट देकर मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आपको रात में वीडियो बनाते हैं वो भी 1 बजे के बाद ही वीडियो बनती है, तो आज भी 1 बजे के बाद वीडियो बनाओ और डेली मैं रात में ही वीडियो शूट करूँगा, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं हो पाएगी क्योंकि फ़ोन इतना अच्छा नहीं है, फिर भी अच्छा आप लोग बताने की कोशिश करेंगे। फेस अच्छा है या ना है उसे मतलब नहीं है, आप लोगों को समझ में अच्छा है ये सब ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो आपने वीडियो नहीं देखा पहला वाला, आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। वीडियो जितनी वीडियो पड़ी रहेगी सब नीचे आपको पड़े रहेंगे, आप उसको देख लीजिएगा। तो कमेंट एक था उसमें मुझे अच्छा भी लगा कि उन्होंने कहा कि ग्रुप में मुझे ऐड कर दो, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि स्पेशली जो आपके सियासत हेड कांस्टेबल मिनिस्टर ग्रुप बना दें और उसमें लोग ऐड हो जाएं। लेकिन आपसे एक बात है कि वही लोग उसमें ऐड होइएगा जिनको पढ़ना है, ठीक है। फालतू के लोग उसमें ऐड मत होना कि अलग अलग तरह के पोस्ट करते हैं, जैसे किसी के पार्टी वाले होते हैं, किसी जात का आपका कुछ करते हैं या कुछ, ये सब से आपको कुछ नहीं करना है, केवल आप स्टडी से ही आप उस पर पोस्ट करिए, कुछ आप पूछ सकते हैं लोगों से, ठीक है। लेकिन आप इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते हैं, यदि आप कुछ भी करते हैं तो मैं आपको रिमूव कर दूंगा। मैं आपको चेतावनी भी उसमें नहीं देने वाला हूँ कि आपको मैं चेतावनी दी कि अगली बार से ऐसा मत करिए, गाली ग्लॉज ये सब नहीं होने चाहिए, केवल वही उसमें आएगा जो पढ़ना चाहता है, क्योंकि मैं एक ही ग्रुप बनाऊंगा जो कि 258 होते हैं एडमिन को मिला के, तो मैं एडमिन ना होगा और 57 लोग आप लोग रहोगे 257 लोग, तो आप वही एक ही ग्रुप होंगे, लेकिन वही लोग उसमें ऐड होना जिनको पढ़ना है वही लोग, ठीक है। तो चलिए ये बात हो गई, अब चलो आपका हम पार्ट 3 बताते हैं, आपके टाइप नंबर 3। तो सबसे पहले टाइप 3 बताने से पहले आपको एक चीज बता देना चाहते हैं, आपको पता होगा, यदि नहीं पता है तो सीख जाइए और पता होगा तो रिवीजन कर लो। आपको पता होगा माइनस गुणे प्लस बराबर होता है, माइनस को हम प्लस में गुणा करते हैं तो इसका जो आंसर आता है वो माइनस आता है। एक दूसरा, माइनस गुणे माइनस बराबर, जब हम माइनस को माइनस में गुणा करते हैं तो इसका जो आंसर आता है ये प्लस आ जाता है, ठीक है। जब कहीं माइनस और माइनस दिया जाता है और उसको हम गुणा करते हैं तो इसका मान जो रहता है वो प्लस में आ जाता है। अब तीसरा, प्लस गुणे प्लस बराबर, जब हम प्लस को प्लस में गुणा करते हैं, जब दोनों जगह प्लस हो तो उसका आंसर जो आता है प्लस आता है, ठीक है। अभी जितने चीजें मैं बता रहा हूं इसमें आपको क्वेश्चन करवा देंगे, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे तरीके से। अब यहां पर मान सकते हैं कि यदि यहां पर प्लस है गुणे यहां पर माइनस हो तो आपका जो मान आएगा वो आपका माइनस आएगा, यानी कि एक माइनस हो एक प्लस हो तो हमेशा वो माइनस ही आएंगे, चाहे माइनस इधर हो चाहे माइनस इधर हो, चाहे प्लस इधर हो चाहे प्लस इधर हो, दोनों डिफरेंट होना चाहिए, यानी कि एक प्लस एक माइनस, तो हमेशा मान उसका माइनस आएगा। यदि दोनों प्लस हैं, से इधर प्लस है इधर प्लस है तो हमेशा जो मान आएंगे वो प्लस में आएगा, यदि दोनों माइनस हैं तो माइनस माइनस जब गुणा करते हैं तो मान हमेशा प्लस ही आएगा, ये चीज आप याद रखना, ठीक है। चलो ये तो बात, सबसे पहले मैं एक चीज और बता देना चाहता हूँ कि आप इस चीज को वीडियो को देख रहे हो, जितना मैं वीडियो बना रहा हूँ ना एक ही टाइप का भी वीडियो बनाओ, आप कॉपी में लिख लीजिए और नोट्स बना लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आप रिवीजन करोगे, आपके पास जो भी बुक है ना उस बुक से आप रिवीजन किया करिए, जैसे आपको बातें आप बाद में जब रिवीजन करोगे तो समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नहीं तो आप कॉपी में उतार करिए, ठीक है। चलो अब टाइप नंबर 3 में मैं आपको बताता हूं, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई
ठीक है, ये आपका है, इस पे हम आपको क्वेश्चन कराते हैं और आपको हम बताते हैं। टाइप नंबर थ्री में ऐसे ही क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अब आपको ध्यान ये देना है, जहां पर माइनस आता है ठीक है, तो यहां पर इसको हम कमी मानते हैं, कमी मानते हैं। जहां पर हम प्लस आएगा इसको हम वृद्धि मानते हैं, ठीक है, वृद्धि मानते हैं, ठीक है। तो प्लस को हम वृद्धि मानते हैं यानी कि वृद्धि हो रही है, और जहां माइनस आएगा वहां हम इसको कमी मान लेंगे, ठीक है। अब चलो हम आपको एक क्वेश्चन कराते हैं और आप उसका आंसर अच्छे तरीके से समझाते हैं कैसे कैसे क्या चीज होगी, ठीक है। तो चलो पहला क्वेश्चन आपके सामने लाते हैं, आपके स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा, आप इसका आंसर बताओ यदि आपको आ रहा हो, ठीक है। आपके स्क्रीन पे ये क्वेश्चन है कि एक दुकानदार अपने सामान का जो एक दुकानदार अपने सामान के मूल्य पहले जो है 25% बाद में 20% बढ़ा देता है, तो अपने सामान के मूल्य में कुल कितने परसेंट की वृद्धि होगी। यानी कि जो एक दुकानदार है पहले अपने जो सामान है उसमें 25% का वृद्धि कर देता है, जब वृद्धि करेगा तो वृद्धि के लिए मैंने आपको बताया प्लस का निशान रहता है और कमी के लिए माइनस का निशान होता है। तो वो 25% का वृद्धि कर रहा है तो मैं 25% लिख देता हूँ, यानी कि 25 लिख देता हूँ। जब पहली संख्या लिखी जाती है उसके सामने कुछ ना लिखा हो तो वहां हमेशा हम प्लस ही मानते हैं। बाद में कह रहा है कि बाद में 20% की वृद्धि होती है, जब वृद्धि होती है तो उसको प्लस लगा देंगे, यहाँ पर हम 20 कर देंगे, ठीक है। जब यहाँ प्लस था और यहाँ प्लस था तो हमेशा जो मान आएंगे बीच वाले वो हमेशा प्लस में ही आएगा। अभी जितने भी मैंने चलो चारों पांच चीज बताया था ना, वो भी आपको धीरे धीरे करके आ जाएंगे। तो जो पहला आपका वृद्धि हुआ था और बाद में वृद्धि हुआ था, पहले वाले को हम x मानेंगे और बाद वाले को हम y मानेंगे, ठीक है, ये आप इसको याद रखना। अब x स्थान पे मैं क्या कर दूंगा, 25 कर दूंगा, और y के स्थान पे मैं 20 कर दूंगा, और बटे इसको हम 100 कर देंगे, ठीक है। अब देखो इसको हम नीचे सॉल्व करते हैं, 25 प्लस 20, ठीक है, आप इसको ऐसे कर सकते हैं, लेकिन ये गलत हो जाएगा ऐसे करने में। इसको हम बॉर्ड मास के तरीके से देखा जाए तो इसको हम पहले नहीं कर सकते हैं, यदि फ्रैक्शन होता तो हमारे लिए प्रॉब्लम कर जाता, लेकिन यहाँ फ्रैक्शन नहीं है तो हम इसको कर सकते हैं, मेरा गलत नहीं होगा, ठीक है। तो इसको आप छोड़ दो, ऐसे आप इसको पड़े रहने दो, ठीक है। अब यहां पर देखो, यहां पर 20 से हम काटते हैं तो 20 पंचे 100 और 5 पंचे 25, तो यहां पर प्लस है तो यहां पर जो मेरा मान कितना बचा, 5 बचा। अब इसको हम ऐड कर देते हैं, कितना था, 25 20 और 5, यानी कि 25 25 50, यानी कि 50% की वृद्धि, क्योंकि हमारा प्लस में आ रहा है तो 50% की हमारी वृद्धि होगी, 50% की हमारी वृद्धि होगी, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो मैं बता देता हूं। क्या था कि जो दुकानदार था पहले उसने 25% का वृद्धि किया, फिर उसने क्या किया 20% की वृद्धि कर दी। तो मैंने आपको बताया कि जब इस टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हो कि पहले बार में आपको 25 वृद्धि कर दिया जाए और फिर बाद में आपको वृद्धि कर दिया जाए, तो आपके सूत्र ऐसे लगेंगे, आपका सूत्र जो है फार्मूला आपको ऐसे लगा दिया जाएगा, पहले वालों को हम x मानते हैं, दूसरे वाले को हम y मानते हैं। तो पहला वाला हमारा x था, दूसरा वाला हमारा 20 था, फिर यहाँ पर जो हमारा x था 25 और y था हमारा 20, बटे 100 कर दिया मैंने, 20 को डिवाइड किया 20 बाई 20 से हमने इसको काट दिया यानी कि 5 आया, और मैंने 5 को 25 से काटा यानी कि 5 इधर आ गए। फिर मैंने क्या किया, 25 को 25 लिख दिया, फिर 20 को 20 लिख दिया, फिर यहाँ किया मेरा 5 बचता तो मैंने 5 कर दिया, 25 20 और 5 हो गया मेरा टोटल 50, यानी कि 50% की हमारी वृद्धि हो रही, क्योंकि हमारा सारा जो मान आ रहा है वो हमारा मान प्लस में आ रहा है, ठीक है। तो आपको ये बातें समझ आ रही होगी। अब चलो मैं आपको दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। तो आपके स्क्रीन पे एक दूसरा क्वेश्चन शो करा होगा कि किसी समांतर चतुर्भुज के आधार को 50% घटाया जाता है जबकि उसके चौड़ाई में 40% घटाया जाता है, तो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल में कुल कितने परसेंट की कमी होगी, ठीक है। कह रहा है कि
चतुर्भुज के आधार को हम 50% घटा दिया जाता है, यानी कि 50% की मुझे कमी हो रही है, ठीक है, यानी कि 50% पहले की कमी हो रही है, यानी कि पहला जो था वो 50% कमी हो रही है, और दूसरा कह रहा है कि उसके ऊंचाई में 40% की कमी हो रही है, ठीक है, 40% की कमी हो रही है, यानी कि ये दो चीजें हैं, यानी कि पहले बार में 50% कमी हो रही है और दूसरी बार में 40% कमी हो रही है, तो इसके तो आपको बताना है कि समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल में कुल कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो आपका सूत्र वही रहने वाला है, आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर रख देनी है उसी मान को। तो पहला मान हमारा क्या है, 50 है, तो 50 हमारा क्या हो रहा है, कमी हो रही है, तो हम उसको क्या करेंगे, -50, क्योंकि हम कमी को माइनस से व्यक्त करते हैं, और दूसरा है वाई। तो मैंने आपको बताया कि यदि प्लस और माइनस जब होते हैं तो वहां पर हमेशा मान माइनस ही आते हैं, ठीक है, तो हमारा जो दूसरा मान था वो -40 हो जाएगा, तो 40% की ऊंचाई में उसकी कमी हो रही थी। फिर आपको मैंने बताया था कि प्लस माइनस और माइनस का मैं गुणा करता हूं तो हमेशा जो आपके मान आते हैं वो प्लस में आते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा प्लस था यहाँ पर हम माइनस कर देंगे, और यक्ष स्थान पे मैं कर दूंगा 50, क्योंकि हमारा जो पहला मान था 50 है, और गुणे वाई, वाई हमारा कितना है 40, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम यहीं पर मान लीजिए यहाँ पर जो था मेरा माइनस कर देते और यहाँ माइनस कर देते, तो माइनस माइनस को जब भी हम गुणा करते तो वहां पर मेरा मान क्या आया था, 50 आया था, ठीक है, तो मैं इसके स्थान पर मैंने प्लस कर दिया और बटे 100, ठीक है, यहां तक हो गए। चलो एक बार मैं इसको फिर से बता देता हूं। उसने कहा कि आपकी जो समांतर चतुर्भुज है उसका जो आधार 50% कमी हो रही है और उसकी ऊंचाई 50% की कमी हो रही है, तो आपको समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी होगी वो आपको बताना है। तो मैंने एक्स स्थान पर -50 कर दिया, वाई के स्थान पर -50 कर दिया, और मैंने एक्स स्थान पर 50 कर दिया और वाई के स्थान पर 40 कर दिया और बटे 100 कर दिया। तो आपको पहले मैंने बताया कि जो माइनस और माइनस का जब भी हम गुणा करते हैं तो हमेशा जो मान आता है प्लस में आता है, ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा। अब देखो आप क्या करते हैं, 40 और 50 को मैं ऐड कर देता हूं, तो जब जो सिंबल्स दिए रहते हैं यदि सेम आ जाते हैं, ठीक है, यदि सेम होते हैं तो उनके अंकों को हम ऐड कर लेते हैं, तो 50, 40, 90 हो गया। ऐड करने के बाद उनकी जो संख्या होती है उनका जो चिन्ह होते हैं उसको हम लगा देते हैं, ठीक है, तो मैं इनका चिन्ह जो है लगा दिया। अब यहां पर आप देखो इनका चिन्ह लगाने के बाद अब क्या करेंगे, प्लस था तो मैं इसको प्लस कर दूंगा, अब क्या करेंगे इसको हम काटेंगे, तो एक जीरो से जीरो यहां कट जाएगा, एक जीरो यहां कट जाएगा, तो यहां पर मेरे दो जीरो हैं, तो यहां पर आपके हो जाएंगे, तो 5 से 4 में गुणा करते हैं तो 5 जो 20, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब ना तो आपको माइनस देखना है ना प्लस देखना है, माइनस प्लस है तो जो संख्या जाता है उस संख्या में छोटी संख्या को हम घटा देते हैं, हम इसको घटाएंगे तो 90 से आपको 20 घटा देना है तो आपका मान आ जाएगा 70, और जिस संख्या में हम घटाए हैं उस संख्या का हम चिन्ह लगा देंगे, तो 70% की कमी होती है। तो जब भी आपको मैंने बताया था ऊपर ही यदि आपके आंसर माइनस में आते हैं तो वहां पर आपके जो मान होते हैं वो आपका मान कमी होता है, तो माइनस ना लिखते हुए हम इसको आप लिख सकते हैं कि 70% की कमी हो गई है, ठीक है। तो ये उनका जो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल था उनमें 70% की कमी हो गया, ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको डाल लीजिए अपने कॉपी में, और ना तो आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आप चलो एक दूसरा सा क्वेश्चन फिर लेते हैं और आपको अच्छे तरीके से फिर समझाते हैं। अब देखो आपका तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, यदि पंखे के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने से उसकी बिक्री में 40% की कमी आ जाती है तो बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, कोई पंखा है उसके मूल्य में पहले 20% की वृद्धि कर देते हैं तो आपको हम डायरेक्टली लगा देंगे, क्योंकि आपको मैंने दो वीडियो आपके क्वेश्चन उसको मैं बता दिया। अब आपका तीसरे क्वेश्चन में डायरेक्ट मैं आपको रखता हूं, ठीक है, तो पहले वाले 20% की वृद्धि हो रही है तो मैं इसको प्लस कर दूंगा, और फिर कह रहा है बाद में कि इसमें बिक्री में 40% की कमी आ गई तो मैं इसको माइनस कर दूंगा,
यहाँ माइनस कर दूंगा। और मैंने आपको बताया था कि जब माइनस और प्लस होते हैं तो हमेशा जो मान आते हैं वो माइनस में आता है। फिर हम क्या करते थे, एक्स और वाई को हम गुणे में लिख देते हैं, तो 20 गुणे 40 और फिर मैं इसको 100 हमारा रहता ही है ऊपर, क्योंकि इसी को हम फिर से सॉल्व करते हैं तो 20 और 40 कितने हो जाएंगे, क्योंकि ये 40 ज़्यादा है और 20 कम है और सिम्बल्स भी अलग अलग हैं, तो इसलिए हम घटाते हैं तो माइनस 20 आ जाएंगे। फिर माइनस लगा देंगे, फिर यहाँ से दो एक जो मेरा शून्य है दोनों शून्य काट देगा, तो 4 × 2 = 8 हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों जो सिम्बल्स हैं वो सेम है तो क्या करेंगे, दोनों सिम्बल्स को हम ऐड कर देंगे और 20 × 8 कितना हो जाएगा 28, और जो इसके सिम्बल्स हैं इसको हम लगा देंगे। अब मुझे इसको लिखना होगा तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस ना लगाते हुए तो 28% की कमी होगी। तो उसमें ये पूछा था कि तो बिक्री कर पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो बिक्री कर पे 28% की कमी हो जाएगी, जो भी उसका था क्रय मूल्य उस पर जो बिक्री कर था उस पर 28% की कमी हो जाएगी। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई होगी। चलो आपको हम चौथा ले लेते हैं ताकि और अच्छे से आपको समझ में आ जाए, और आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप जितने भी क्वेश्चन है ना उस क्वेश्चन को आप जरूर अपने कॉपी में जरूर लिखिए, ठीक है, जिससे आपको समझ में आ जाए। चौथा क्वेश्चन है, यदि वॉशिंग मशीन के मूल्य में 15% की कमी की जाती है तो उसके बिक्री में 20% की वृद्धि हो जाती है तो बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वॉशिंग मशीन का जो मूल्य है, पहले 15% की कमी होती है तो माइनस में 15% कर देंगे, फिर कह रहा कि उसमें 20% की वृद्धि हो जाती है तो वृद्धि के लिए हम प्लस लगा देंगे। और मैंने आपको बताया कि जब भी प्लस और माइनस होते हैं तो यहाँ पर जो मान आएंगे वो माइनस में आएगा, और हम इसको पहले x गुणे y करते हैं, यानी कि 15 गुणे 20 बटे 100। ठीक है, अब कोई सोचेगा कि x माइनस क्या होगा, जो आपका पहला रहता है जो आपका परसेंटेज वही आपका पहला x रहेगा, दूसरा जो रहता है वो y रहता है, तो मैंने उसको सही स्थान पर रख दिया। फिर इसको मैं क्या करूंगा, 20 में से 15 को घटा देंगे आ जाएगा 5, फिर ये माइनस है तो माइनस को मैंने माइनस कर दिया, और यहाँ से मैं इसको काटता हूँ तो 20 × 5 = 100 और 5 × 3 = 15, तो मैं इसको 3 यहाँ पर घटा देंगे, फिर यहाँ क्या होगा 5 में से 3 घटाते हैं तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 2% की वृद्धि हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ 2% की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो आपके ये आंसर आ गए, आपके टाइप नंबर 3 कंप्लीट हो गया। 4 मैंने आपको बता दिया केवल एक ही चैप्टर, जो आपका एक फार्मूला था इसी पर हम लोगों को याद कर लेना है, और मैंने जैसे बताया कि दो सिम्बल से अलग अलग आते हैं तो जो उसके जो मान होते हैं वो माइनस में आता है, यदि दोनों सिम्बल सेम आते हैं तो उसका मान जो होता है प्लस में आता है। ठीक है, चाहे वो माइनस हो चाहे वो प्लस हो। ठीक है, ये आपका टाइप नंबर 3 हो गया। अब चलिए आपको टाइप नंबर 4 बताते हैं। ठीक है, टाइप नंबर 4 आपका, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन शो कर रहा होगा कि यदि किसी टीवी के मूल्य को पहले 40% बढ़ा दिया जाए फिर बढ़े हुए मूल्य को 40% कमी कर दिया जाए तो टीवी के मूल्य में कितने परसेंट की कमी या कितने परसेंट की लाभ होगा। ठीक है, यानी कि हान या लाभ होगा, वृद्धि या कमी कह सकते हैं उसको। तो जब ऐसे पूछा जाए कि पहले कोई बस था उस पे 40% या 50% जो भी आप कहते हैं उतने परसेंट की वृद्धि हो रही है, बाद जो बढ़ा हुआ मूल्य जो प्राप्त मूल्य आपका आ रहा है उस मूल्य पर उतनी ही परसेंट कमी कर दी जाती है, तो आपका जो मान आएगा वो आपका मान हमेशा कमी में ही आएगा। ठीक है, अभी मैं उसको प्रूव भी कर दूंगा, और इस क्वेश्चन को मैं आपको 3 तरह से बताएंगे। तो सबसे जो आसान लगाने का आपका है, आपको क्या करना है, आपको ये याद रखना है कि हमेशा ऐसे जो प्रश्न पूछे जाएंगे ऐसे प्रश्न में आपके जो मान होंगे वो हमेशा मान आपके कमी में आएगा, और कमी में आएगा तो आपको क्या करना है कि जो आपके परसेंटेज हैं उसको आपको एक्स मान देना है और उसी को स्क्वायर करके आपको 100 यहाँ पर नीचे कर देना है। ठीक है, तो आपके जो प्रश्न पूछे जा रहे थे कि टीवी के मूल्य में पहले 40% की वृद्धि हो जाती है फिर 40% की कमी हो जाती है तो आपको मान निकालना है, तो क्या करना है, यहाँ पर एक्स स्थान पर मैं 40 कर दूंगा, 40 करने के बाद इसको मैं स्क्वायर कर दूंगा और बटे 100 यहाँ पर हम कर देते हैं। ठीक है, कर देते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको हम स्क्वायर ना करते हुए इसको हम 2 लिख देंगे, आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, 40 × 40 / 100।
ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं कि नीचे हमारे दो शून्य हैं और 40 में हम दो बार लिखते हैं तो हमारे दो शून्य हो जाएंगे, क्योंकि इसको हम जब शून्य शून्य कर जाएंगे तो मुझे इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे तो बहुत आसानी से वो कर पाएंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पर एक शून्य यहाँ से, एक शून्य यहाँ से काट देंगे, फिर चार में चार से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा कितना, 16। यानी कि 16% की मुझे यहाँ पर कमी हो रही है, हो रही नहीं हो रही है। अब देखो मैं आपको दूसरा जो मैं टाइप नंबर 3 बता रहा था उसमें भी आपको मैं कमी करके इसको दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर देखो, उसमें मैंने बताया था यदि पहले कमी हो या वृद्धि हो तो आपको उसको लिख रहा है, पहले इसमें क्या हो रही है, कमी हो रही है तो माइनस 40, फिर कितने परसेंट वृद्धि हो रही है, 40% का आपको यहाँ पर कर देना है। और आपको मैंने बताया था कि माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है, फिर 40 × 40/100, यहाँ से शून्य से शून्य काट देंगे और 40 में 40 घटा देंगे कितना हो जाएगा, 0, और 0 − 4 × 16। और आपको मैंने बताया था कि −16 क्या होता है, हमेशा कमी होता है, होता है कि नहीं होता, 40% की यहाँ पर कमी हो गई, सॉरी 16% की यहाँ पर कमी हो गई। ये आपके दो तरह से थे। अब यहाँ पर आप दोनों तरह से किस तरह से लगाना चाहते हैं आप लगा सकते, चाहे आप पहले तरह से कर सकते हैं चाहे आप दूसरे तरह से लगा सकते, जैसा आपका मन हो, लेकिन मैं कहूंगा आपको पहले वाले की तरह लगाइए, ठीक है। अब चलो मैं इसको प्रूफ कर दूं कि ये 16 जो है सो कमी क्यों हो रही है, ये चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि आपको क्लियर होना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चन में कमी क्यों होती है, वृद्धि क्यों नहीं होती है। क्योंकि आपके मन में आ रहा होगा कि आपके 16% की कमी हो रहा है और 16% की वृद्धि हो रहा है, तो मेरे मान तो वही होना चाहिए, यहाँ पर कमी कैसे आ गया, आपके दिमाग में चल रहा होगा ना। अब आप मान लो कि कोई वस्तु है, ठीक है, कोई वस्तु है, उसका जो मूल्य है उस मूल्य पर मुझे पहले 40% की वृद्धि हो रही है, तो मुझे मूल्य तो पता नहीं है, लेकिन हम मूल्य ना पता होते हुए उसको हम 100 मान लेते हैं कि किसी वस्तु का जो मूल्य था वो 100 था। अब इस वस्तु पे पहले मुझे 40% की वृद्धि हो गई, तो इस वस्तु पे मुझे 40% की वृद्धि होती है तो मुझे ये 40% इसको निकाल देते, तो हम इसको 40% निकालेंगे तो शून्य से शून्य, हाँ यानी कि 100 से 100 इसको कट जाएगा, यानी कितने होंगे 40, यानी कि 40 और मिल गया, यानी कि 40 रुपये मुझे और मिल गए। तो पहले मेरा कितना था, 100 था, और बाद में कितना मुझे मिल गया लाभ, 40, इसको हम ऐड करते हैं तो 140 रुपया होगा। तो वो कह रहा था कि जो आपका मूल्य है यानी कि जो वृद्धि कर दिया जाए, फिर बढ़े हुए मूल्य पर जो बढ़ा हुआ मूल्य है इस मूल्य पर 40% की मुझे कमी कर दें तो आपका जो मान है उसमें कमी होगी कि वृद्धि होगी, तो उसमें मैं 40% की कमी कर देता हूं, तो 40% की इसमें कमी हम कर देते हैं तो 40% फिर हम इसको निकाल देते हैं, तो 100 यहाँ से 100 यहाँ से 100 यहाँ से 100 यहाँ से कितना हो गया, 14 × 4 कितना होता है, 56 होता ना। अब देखो आपको जो लाभ हुआ था वो 40 रुपए का लाभ हुआ था, और जब आपने कमी की तो यहाँ पर आपको कितने रुपए की कमी हुई, 56 रुपए की, 56 रुपए की आपकी कमी हो गई, और लाभ कितना हुआ था, 40 रुपए का। अब कमी ज्यादा है कि लाभ ज्यादा है, कमी ही ज्यादा है, तो क्या करेंगे, कमी में लाभ को हम घटा देंगे, यानी कि 56 में 40 हम घटाते हैं तो 16 रुपया आता है, यानी कि मुझे 16 रुपये की कमी हो जाती है। तो इस कारण से आपके जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं इन क्वेश्चनों में हमेशा कमी ही आते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, जब ऐसे आपको क्वेश्चन पूछे जाए तो आपको बस यही करना है, कमी लगा देना है ऐसे कमी, और आपको पर एक्स कर देना है, फिर आपके जो मान दिए रहेंगे एस पे एस लगा देना, फिर यहाँ पर 100 आप इसको कर दो, आपका आंसर सीधा बहुत अच्छे तरीके से बहुत आसानी से कम समय में, आपको मैक्सिमम इसको लगाना हो तो 5 से 7 सेकंड में इसको आप लगा सकते हैं, इस क्वेश्चन को 5 से 7 सेकंड में इसको लगा सकते थे, क्योंकि मैंने कल वीडियो बताया था कि फास्टली आप कैसे कैलकुलेट करते हैं,
चालीस के बड़े 40 कर देंगे, यानी कि 200 नहीं नीचे गए, 200 नहीं ऊपर कटेगा, 400 का 16, 2 सेकंड में हो गया, 16% की कमी हो गई। तो ये क्वेश्चन आपका था, बहुत अच्छा लगा ये क्वेश्चन, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को अभी लाइक कर दो, क्योंकि आपके लिए इतनी सारी मेहनत कर रहे हैं और समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप किस तरह से बताएं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।